Hey Hey guys. guys, hope you all are doing well and having a good time. I know it's been long, we have not been in touch, but the thing is that we have been so occupied with so many other things, and this is why we are here today to share it with you all. And that is something which is a good news, but we are also a little emotionally upset just because this is something which is really close to our heart. And if you're new here, please subscribe to our channel. If you are already a subscriber, then please give this video a thumbs up. And Gundeep is going to give you further details about the video. गाइज न्यूज़ ये है कि हमने अपना घर है वो सेल करने का प्लान किया था और विद इन अ वीक्स टाइम इट्स ऑलरेडी बीन सोल्ड और सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ है कि अभी भी हम अपने आप को पिंच कर रहे हैं रियलाइज़ करने के लिए कि हमने प्लान किया अपना घर सेल करने के लिए और एक ही हफ्ते में सब कुछ हो भी गया। तो प्रोसीजर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था क्योंकि जब आप घर बेचते हो तो आपको जो आपकी ब्रोकरेज होती है, जो रियलेटर होता है, दे सेट यू अप इन एन ऐप. उसके थ्रू आपको मैसेजेस मिलते हैं जब कोई आपको बुकिंग घर की व्यूइंग रिक्वेस्ट करता है. और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन यू नो योर सिचुएशन, वेदर यू वॉन्ट टू कन्फर्म इट, डिनाई इट. और कभी जैसे हम दोनों अब ऑफिस के टाइम में होते थे, वीकडेज में कभी हमारी व्यूइंग होती थी, तो उस टाइम पे देर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन कि आप उसको टाइम को रीशेड्यूल कर सकते हो. तो जब भी किसी ने आना होता था तो इट वाज लाइक कि हम घर पे नहीं रह सकते थे. तो कभी हम किसी कैफे में बैठे होते थे, थैंकफुली कोविड होने के बाद भी अभी डाइनिंग्स खुल गए हैं, तो वी हैड एन ऑप्शन. नहीं तो पहले अगर बेचा होता तो इट वुड हैव बीन अ ब्लंडर क्योंकि हम कहीं नहीं जा सकते, राइट? और तो गाइस अभी आपने कुछ टाइम पहले 8-9 महीने पहले आपने हमारी वीडियो देखी होगी हाउ मच प्रॉफिट वी गॉट फ्रॉम आवर हाउस और एज एवरी वन ऑफ यू नो कोविड हिट होने के बाद इट बिकेम लाइक सेलर मार्केट ऑल द प्राइस ऑफ हाउसेज वर गोइंग अप। कहीं पे ये नहीं था कि यू नो पीपल वर सेइंग कि ये बबल बर्स्ट होने वाला है या ऑल दोज थिंग्स, नथिंग लाइक दैट वॉज हैपनिंग। इवन उसका उल्टा ही हुआ, प्राइजेस ऐसे बढ़ी कि जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होता है लाइक विदाउट कोविड विदाउट पेंडेमिक उससे भी ज़्यादा यू नो काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी में प्राइजेस बढ़े हैं। और जो लोग एक्चुअली सोच के बैठे थे कि यू नो कोविड के बाद प्राइस कम हो जाएंगे और जो है प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो जाएगी, हम तब घर खरीदेंगे, अब दे हैव टू रीथिंक एवरीथिंग क्योंकि ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस टाइम पे. एंड जब हमने घर लिया था हमने अपने हाउस टूर की वीडियो बनाई थी, दैट वाज आल्सो द टाइम जब कोविड वाज एट इट्स पीक और उस टाइम भी कमेंट सेक्शन में कईयों ने हमें बोला था कि आपने गलती करी है, बेवकूफ़ी करी है इस टाइम घर लेके, बिकॉज हाउसेज मार्केट में जो प्राइजेज हैं वो कम होने वाले हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो नाउ वी आर गोइंग टू शेयर विथ यू अ फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको माइंड में रखना चाहिए वाइल यू आर सेलिंग योर प्लेस, सो दैट यू कैन मेक अ गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट. अगर आप सोच रहे हैं कि इट्स अबाउट अपग्रेड्स इन द हाउस, सो इट्स पार्शली ट्रू, लेकिन किस तरीके के अपग्रेड्स, दिस इज़ वॉट वी आर हेयर टू शेयर विथ यू. तो सबसे पहली चीज़, हमने जो सबसे बड़ी गलती करी वो ये थी कि हमने अपने लिविंग रूम एरिया और जो फर्स्ट फ्लोर एरिया है, रूम्स हैं, उनको अपग्रेड करने में वी इन्वेस्टेड. हमने अपना पूरा बैकयार्ड रेनोवेट किया, हमने अपना जो हमारे पास इंडक्शन स्टोव था हमने इसको गैस रेंज में कन्वर्ट किया, हमने ऊपर बेडरूम में हम दोनों ने मिलके वॉल पेंट किया, जो है एक्सेंट वॉल पेंट किया. वी विल शेयर ऑल दोज पिक्चर्स इन द वीडियो एट द एंड. उसकी वीडियो भी आएगी, वो वॉल वॉल पेंट जो हमने किया बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था, बहुत एंटरटेनिंग था, 2-2.5 दिन लग गए थे उसमें, राइट? हाँ, जस्ट बिकॉज हम दिन में काम करते थे और रात को हम लेबर करते थे वॉल बनाने में. और घर की जो पिक्चर्स हैं जो हमने रेनोवेट किया, जो जो चीज़ें जैसे बैकयार्ड और अपना किचन थोड़ा सा अपग्रेड किया, तो हम उसकी पिक्चर्स इस वीडियो के एंड में शेयर कर देंगे. और हमने जो गलती करी वो ये था कि हमने अपनी बेसमेंट को अपग्रेड नहीं किया. हमारी बेसमेंट में एक रेक रूम है और एक वॉशरूम है. तो हमारे घर के साथ में एक और घर बिका जिसकी बेसमेंट प्रॉपर 2 बेडरूम बेसमेंट थी. तो जब भी कोई बायर घर खरीदने आता है तो उनके माइंड में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम घर की बेसमेंट को रेंट पे चढ़ा सकते हैं. तो हमारी बेसमेंट में भी रेंटेबल, लेकिन उसमें किचन नहीं है, दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक. और देन इट्स लाइक अ स्टूडियो. तो उस वजह से जो है हमने ऑब्जर्व किया कि जो बगल वाला घर था वो हमारे घर से $25,000 ऊपर बिका. हमारा घर थोड़ा कम में बिका, द रीज़न बीइंग कि हमारी जो बेसमेंट है दैट वाज नॉट अपग्रेडेड. तो देन
इवेंचुअली वी रियलाइज कि जो हमने $10,000 अपने ऊपर वाले पोर्शन पे लगाए थे, तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर हमने वो नीचे लगा दिए होते तो हमें शायद उसकी रीसेल वैल्यू और मिल जाती. वी आर नॉट कंप्लेनिंग, वी आर नॉट अनहैप्पी, बट या हमें थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था. बट दैट्स ओके, वही ना पार्ट एंड पार्सल होते हैं. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस घर को बेचेंगे. तो जो भी अपग्रेड्स किए हमने एज अ ओनर अपने लिए किए, अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए, जैसे बैकयार्ड है और यू नो किचन के अपग्रेड्स हैं. बट एक और चीज़, वो जो बिका है घर वो कॉर्नर लॉट है. कॉर्नर लॉट में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होता है, हालांकि आई थिंक बेसमेंट में 19-21 का फ़र्क है. बट द वे दे प्लान देयर बेसमेंट वॉज कि उसमें पार्टीशन कर दी, रूम बना दिए. हमारा इतना बड़ा यू नो स्पेस है वहाँ पे, लिविंग रूम, बेडरूम, मतलब एक पूरा खाली स्टूडियो टाइप है, विच इज़ गुड. बड़ा ओपन टाइप फीलिंग देता है आपको. लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है, रूम है. लेकिन एज अ बायस पर्सपेक्टिव आप यही देखते हो कि 3+2 बेडरूम है, राइट? और हमारा था 3+1 बेडरूम. तो यू नो अपील आपको वही करता है कि यार 3+2 बेडरूम, हालांकि उन्होंने बस दीवार डाली है नीचे, पार्टीशन करी है, प्लस अ किचन. किचन इज आल्सो वन थिंग. यस, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वैल्यू बढ़ा देता है मार्केट में. जस्ट आपको टिप्स दे रहे हैं कि जैसे अगर आप घर लेंगे या फिर अगर आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेचने की सोच रहे हैं, तो आपको ये टिप्स काम करेंगे. क्योंकि हमने तो मतलब इस पर्सपेक्टिव से सब कुछ अपग्रेड किया था कि अभी तो हम 3-4 साल रुकेंगे, बट अभी हमें सिर्फ 1.5 साल हुआ है एंड वी जस्ट प्लान टू मूव ऑन. और अभी भी लिटरली हम अपने आप को पिंच कर रहे हैं, क्योंकि अभी बाहर जैसे बोला सेल का बोर्ड था फॉर सेल, और अभी सोल्ड का भी लग चुका है, और सब कुछ एक हफ्ते में इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, लाइक लिटरली. कुछ टिप्स थी कि अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं और उसके बाद आप प्लान कर रहे हैं कि आपको अपना घर सेल करना है, तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू इफ यू एक्चुअली वांट टू इन्वेस्ट समवेयर इन योर हाउस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलिंग द हाउस. और बाकी इसके बाद हम आपके साथ अब नेक्स्ट पिक्चर शेयर करते हैं अपने एग्जिस्टिंग घर की, और अबाउट द न्यू प्लेस हम उसके बारे में बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में, कि हमने क्या लिया, कहाँ लिया, वो कितना बड़ा है, क्या है. तो गाइज ये था क्विक अपडेट. सो सॉरी इतनी देर तक कोई वीडियोज़ नहीं आई, बट अभी बैक टू बैक वीडियोज आने वाली हैं. ये भी थोड़ी छोटी वीडियो है, और नेक्स्ट वाली थोड़ी डिटेल्ड में थोड़ी बड़ी वीडियो, फिर से एक नए अपडेट के साथ, एक नए इंसाइट के साथ. वेलकम बैक टू यू. And if you have any questions, any queries, or any comments, any suggestions, you can leave them in the comment box and we will be very happy to reply to you. And thank you so much for watching this video. Milte hain next video mein. And now enjoy the pictures, take good care of you and stay safe, and bye-bye.